बार लाइन मार रहा है शायद दिशा पटने के ऊपर। है गाइस, दिस इज एडी। आज 10 जून है और आज 7:15 पे कल की 2898 एडी का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। और इस फिल्म का जो टाइम है 2898 एडी, वो है महाभारत काल से 6000 साल बाद, यानी कि अब जो 2024 चल रहा है उससे भी बहुत साल बाद का सीन है। मतलब यानी कि एडवांस दिखाने वाला है इस फिल्म में। उसका ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। इस फिल्म में अश्वत्थामा भी है और ऐसे बहुत सारे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर भी है। तो इसका ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और इस वीडियो में कल की 2898 फिल्म का जो ट्रेलर है उसका रिएक्शन देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लेट्स गो फॉर इट। ये साइलेंट क्यों है? इस दुनिया का पहला शहर, इस वर्ल्ड का आखिरी शहर काशी। काशी आखिरी और पहली, इसमें बोल रहे हैं कि इस दुनिया का पहली शहर काशी ही था और आखिरी भी काशी ही बनेगी। इंटरेस्टिंग। कि ऊपर पानी है। पूरी दुनिया से सब छीन लोगे तो सब कुछ तो होगा ही। बाकी अगर कुछ है तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स है। भगवान एक ही, सुप्रीम यास्किन। सुप्रीम यास्किन यानी कि बताया जा रहा है कि 2898 साल में या 2898 एडी में इस फिल्म में भगवान सुप्रीम यास्किन ही भगवान है। भगवान कृष्ण, महादेव, नारायण उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करते। पता है आप कितने लोगों को बचा सकते हो? एक की रक्षा करनी, केवल एक। अश्वत्थामा बोल रहे हैं कि एक ही को रक्षा करने के लिए वो एक आई थिंक कल्कि होंगे। केवल एक। ये 6000 सालों पहले देखा था। वो शक्ति वापस आ गई है, यानी अब रोशनी आने का समय आ गया है। फाइनली दीपिका को दिखाया गया है ट्रेलर में, वो भी थोड़ा अलग लुक्स में। लेट्स सी। जान के अंदर दूसरी जान। आपने अपने गर्भ में एक भगवान को स्थान दिया है। दीपिका के गर्भ में एक भगवान का स्थान है, अश्वत्थामा बोल रहे हैं। यानी कि कल्कि भगवान कल्कि के माता हो सकती है, मॉम हो सकती है, माँ हो सकती है दीपिका पादुकोण। ओके। हर हालत में रोकना ही होगा। सुबह सुबह ये लड़ाई झगड़ा क्यों बच्चे? कितना अच्छा सपना देख रहा था, हम दोनों कॉम्प्लेक्स में थे। 1 मिलियन यूनिट्स है क्या तेरे पास? कुछ नहीं बचा। मेरे जैसे कितने लोगों के लिए आप हीरो जैसे? मेरे साथ आ जाओ। यूनिट ज्यादा हो लेंगे क्या? तुम्हें सिर्फ खुद से प्यार है भैरवा। ओके। दिशा पटनी बोल रही है कि तुम्हें सिर्फ खुद से प्यार है, यानी कि भैरवा लाइन मार रहा है शायद दिशा पटनी के ऊपर पीछे। ने प्रपोज कर दिया, ये सीन हो सकता है ये वाला। इस दुनिया में बस एक ही साइड होती है, खुद की साइड। भैरवा, पैसा बाउंटी। 1 मिलियन भैरवा को चाहिए, 1 मिलियन उस कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए। और एक ही आदमी के ऊपर 1 मिलियन का मतलब वो जो यूनिट्स चाहिए एक ही आदमी के ऊपर, एक ही ह्यूमन के ऊपर है, वो है, उसका नाम है SUM80। SUM80। हाय हाय। ओ शिट, वो है दीपिका। यानी कि प्रभास कल्कि नहीं है, कल्कि अवतार प्रभास नहीं है, तो कौन है? तो प्रभास कौन है?
वो लड़की मुझे चाहिए। पॉइंट ये है कि मैं ही हूँ जो उसे ला सकता हूँ। इतना श्योर है? प्रभास, उस लड़की यानी कि दीपिका के पीछे पड़ा हुआ है 1 मिलियन यूनिट्स के लिए, और लड़की यानी कि दीपिका के पेट के अंदर है भगवान का अवतार, यानी कि प्रभास कल की अवतार नहीं है। तो प्रभास कौन है भाई? हाय, वो लड़की मुझे चाहिए। पॉइंट ये है कि मैं ही हूँ जो उसे ला सकता हूँ। इतना श्योर है? रिकॉर्ड चेक कर लो, मैं आज तक एक फाइट नहीं आ रहा। तुम्हारी जंग फिर से शुरू हो गई है। ये भी नहीं हारूंगा। जिसने अपनी पहली सांस तक नहीं ली, वो इतनी आखिरी सांसों का कारण कैसे हो सकता है? डरो मत, एक नया युग आ रहा है। तो थोड़ा बहुत तो पता चल रहा है कि दीपिका प्रभास की गर्लफ्रेंड या वाइफ नहीं हो सकती, मे बी मुझे लगता है। और दीपिका के पेट में पल रही है एक बच्चा जो है भगवान यानि कि कल्कि, और अश्वत्थामा उसको बचाने के लिए आए हैं। और दीपिका के जब पेट में वो अवतार आया, उसी वक्त शायद अश्वत्थामा का वो मनी वापस आ गई ऑटोमेटिकली, और प्रभास जो मेन लीड में है वो पता नहीं क्या है, शायद कल्कि का फादर भी हो सकते हैं, और ये फ्लैशबैक भी हो सकती है थ्रो अश्वत्थामा, कि कैसे प्रभास यानी कि कल्कि अवतार का जन्म हुआ, किस सिचुएशन को हैंडल करते हुए किस सिचुएशन में उनका जन्म हुआ वो हो सकता है, और विलेन जो है वो धर्म का व्यापार कर रहा है, भगवान श्री कृष्ण या महादेव या फिर नारायण लक्ष्मी दुर्गा, किसी का नाम नहीं है इसमें, यानी कि उनका अलग ही भगवान है। और टैक्स भरपूर है ये फिल्म, टेक्नोलॉजी का भरपूर भंडार है इस फिल्म में, और पता नहीं प्रभास कौन है, ये मेरे दिमाग में चल रहा है अभी तक कि प्रभास कौन है, मे बी कल्कि और या फिर कल्कि का पिता। 27 जून को पता चलेगा इसके बारे में कि प्रभास कौन है और दीपिका कौन है और दिशा पत्नी कौन है। तो एंड तक इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, और थैंक यू फॉर योर टाइम। एक सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा बहुत कुछ आ जाएगा आपके एक सब्सक्राइब में, आपका कुछ नहीं जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।